नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर जानकारों की क्या राय है, जानकार क्या बता रहे हैं कि आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी। तो हमेशा की तरह यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसे सीड से। तो हम देख रहे हैं कि आज कैसे सीड का सितंबर वायदा 6218 पर है और जो अक्टूबर वायदा है वो 6238 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और अक्टूबर वायदा में 6348 का भी हाई लग चुका है और आज 1% की गिरावट कैसे सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कैसे सीड की जो कीमतें हैं वो तेजी की ही तरफ है क्योंकि इस साल कैस्टर की जो बुआई है कम देखने को मिली है और बुआई कम होने का मतलब है कि उत्पादन कम रहना। आपको बता दें कि पिछले साल कैसे का जो भाव था वो लगभग क्रैश कर गया था, 2500-3000 ऐसे भाव देखने को मिले थे कैसे सीड के, जिसकी वजह से किसानों ने दूसरी फसल की ओर रुख कर लिया था, दूसरी फसलों पर शिफ्ट कर गए थे और कैसे की बुआई कम देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे सीड की जो कीमतें हैं उनके अंदर अब एक तेजी देखने को मिल रही है। और दूसरा, घरेलू स्तर पर डिमांड के साथ साथ कैसे सीड में निर्यात मांग भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कैसे सीड की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है, जिसकी वजह से कैसे की कीमतों में अभी तेजी जारी रहेगी। आज एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं इसको, ऊपरी स्तर से एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल रुझान कैसे सीड की कीमतों में तेजी का ही है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक कैसे सीड में आने वाले दिनों में 6700 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहीं से बात करें अगर चने की, तो चने का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 5180 पर है, 3.25% की तेजी और चने का अक्टूबर वायदा 5200 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की तेजी चने के अक्टूबर वायदा में आज बनती हुई नजर आ रही है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने चने की कीमतों में एक डाउनफॉल आता हुआ देखा था और जो वीकली क्लोजिंग हुई थी वो भी 5200 के आसपास ही उसी दायरे में होती हुई नजर आई थी। फिर वहाँ से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने चने में एक वीकनेस आते हुए देखी थी और आज सुबह की बात करें तो आज भी 5000 के घरों में चने की कीमतें कारोबार करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन देख रहे हैं कि अब एकदम से उछाल देखने को मिला है। और दूसरा, सरकार ने अभी एक और अहम फैसला लिया है कि बीच में जो सरकार ने दाल के आयात को लेकर फैसला दिया था कि 31 अक्टूबर तक सरकार जो है म्यांमार से दालों का आयात करेगी, अब उसकी तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर कर दी गई है। अब 2 महीने और आयात किया जा सकेगा। ये तारीख सरकार ने इसलिए बढ़ाई है जिससे जो आयात है वो तरीके से किया जा सके, किसी भी चीज़ में जल्दी ना हो और आराम से किया जा सके, और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो व्यापारी और ज़्यादा आयात कर सके, व्यापारियों को टाइम ज़्यादा दिया गया है। जो सरकार है अब दालों की कीमतों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया में आती हुई नज़र आ रही है। पहले सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई, स्टॉक में थोड़ी राहत दी, उसके बाद फिर आयात का फैसला लिया, आयात भी होने लग गया है और फिर अब म्यांमार से आयात की बात करिए, 2.5 लाख टन उड़द और 1 लाख टन तुअर दाल की आयात किया जाएगा। और आपको बता दें कि भारत रशिया से पहली बार मसूर दाल का आयात कर रहा है और जो ये जो आयात है ये कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया पर दालों के लिए निर्भरता कम करने के लिए किया जाएगा और 6 महीने तक की अवधि के लिए किया जाएगा, क्योंकि मसूर दाल की कीमतों में भी हमने बीच में अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आती हुई देखी थी। इसे बात करें चने की, तो चने में हम देख रहे हैं कि अक्टूबर वायदा 5200 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में 5000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आया था। जानकारों के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक चने की जो कीमतें हैं उनके अंदर अभी हाल फिलहाल में ऐसी उठापटक का माहौल जारी रहेगा, कभी नरमी तो कभी तेज़ी वायदा बाजारों के अंदर एक सीमित दायरे में ही देखने को मिलती रहेगी। ज़्यादातर जो रुझान रहेगा अभी चने की कीमतों में वो अभी वो हाल फिलहाल में छोटी अवधि के लिए नरमी वाला देखने को मिलेगा और जैसे जैसे अगर बीच में कोई फेस्टिवल डिमांड आती है, त्योहारी सीज़न त्यौहार कोई पड़ता है, जैसे अब दिवाली आएगी, तब जाके चने की कीमतों में थोड़ा सुधार होता हुआ नज़र आ सकता है, वरना ओवरऑल अभी जो रहेगा वो एक सीमित दायरे में ही चना कारोबार करता हुआ नज़र आएगा। 5050 से 5350 की एक रेंज देखने को मिल सकती है और अगर कीमतें डाउन नीचे जाती हैं, गिरावट आती है चने की कीमतों में किसी भी कारणवश, तो नीचे 4800 तक की भी लेवल चने की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं। बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 2372 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.25% की गिरावट बिनौला खल के सितंबर वायदा में बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिनौला खल ने
2400 का जो अहम सपोर्ट था आज वो भी ब्रेक कर दिया है, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और एक बिनौला खल की कीमतों में अभी ये जो गिरावट का माहौल है जानकारों के अनुसार अभी वो कुछ दिनों तक और जारी रह सकता है। ये सब बात करें धनिए की, तो धनिए का अक्टूबर वादा देख रहे हैं 7760 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1.5% की गिरावट के साथ, और जो सितंबर वादा है 7574 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि धनिए का अक्टूबर वादा अभी भी अपने जो सपोर्ट लेवल है नीचे का जो सपोर्ट लेवल है धनिए का अभी भी उसी के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि धनिए की जो अब आवकें देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर वो इतनी अच्छी क्वालिटी की देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो खरीदारी है धनिए की धनिए के अंदर वो थोड़ी कम होती हुई नजर आई है। और दूसरा, हमने जो धनिए की कीमतों हमने जो धनिए में ऊंची कीमतें बनती हुई देखी थी अच्छी निर्यात मांग की वजह से, अब उच्च स्तर पर भी धनिए की जो मांग है वो कम होती हुई नजर आई है। बड़े लेवल्स पर बढ़ती हुई कीमतों पर धनिए की जो खरीदारी है उसके अंदर एक कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि धनिए की जो कीमतें हैं वो एक नरमी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ समय तक धनिए की जो कीमतें हैं वो एक रेंज में कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक। धनिए के बाद बात करें यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरे का अक्टूबर वादा देख रहे हैं 14660 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आधे फीसदी से ज़्यादा की गिरावट के साथ। आपको बता दें कि किसानों के पास, व्यापारियों के पास और मंडियों में जीरे की जो सप्लाई है वो पर्याप्त देखने को मिल रही है, अच्छी खासी देखने को मिल रही है, कोई शॉर्टेज नहीं है जीरे की, जिसकी वजह से जीरे की ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से, पर्याप्त सप्लाई रहने की वजह से एक जो मांग है वो एक स्थिर होती हुई नज़र आई है। सप्लाई ज़्यादा है और मांग उतनी की उतनी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि आज जीरे की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक हल्की सी करेक्शन बनती हुई नज़र आ रही है। बात करें यहाँ से अगर हल्दी की, तो देख रहे हैं कि टर्मेरिक यानी हल्दी का अक्टूबर वायदा 7538 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आज हल्दी की कीमतों में 4.5% की जो लोअर सर्किट है वो लगता हुआ नज़र आ गया। आपको बता दें कि हल्दी की जो डिमांड है काफ़ी अच्छी निकलती हुई नज़र आई थी अभी बीच में, हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी बनी हुई है, लेकिन इसके साथ कुछ फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से हल्दी में अभी हाल फिलहाल में गिरावट बनती हुई नज़र आई, वो आपके साथ साझा कर देते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हमने एक बार फिर देखा है कि मॉनसून दोबारा से एक्टिव हो गया है, बारिश की गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं एक बार फिर से। बारिश मुख्य जो हल्दी के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं उनके अंदर बारिश अच्छी देखने को मिली है, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले सीज़न में हल्दी के अगले सीज़न में जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिल पाएगा, जिसकी वजह से इन सेंटीमेंट्स के चलते हल्दी की कीमतों में आज हम देख रहे हैं कि 4.5% का एक निचला सर्किट बनता हुआ नज़र आया है। वरना हल्दी की डिमांड अच्छी खासी घरेलू स्तर पर भी थी और है भी, और निर्यात मांग भी अच्छी खासी है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और लोग हल्दी को अपनी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, काढ़े के रूप में, सब्ज़ी में, और ऐसे भी खाई जाती है कच्ची भी, जिसकी वजह से इम्यून बूस्ट की जाती है। तो डिमांड तो अच्छी खासी है, लेकिन जो सेंटिमेंट्स बने हैं अब बाज़ारों के अंदर, मार्केट्स के अंदर, उसकी वजह से हल्दी की कीमतों में आज ये गिरावट बनती हुई नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं यहाँ से अब स्पाइस कॉम्प्लेक्स के बाद ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 10108 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आज ग्वार गम के अंदर भी 4.5% का लोअर सर्किट लग चुका है। कल भी हमने ग्वार की कीमतों में निचला सर्किट लगता हुआ देखा था। और बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड के अक्टूबर वायदा 6144 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। और देख रहे हैं कि इस वक्त ग्वार सीड के जो अक्टूबर वायदा है उसके अंदर 3.5% का निचला सर्किट लग चुका है। हम देख रहे हैं कि बीते सत्र की तरह आज के शाम के कारोबारी सत्र में भी ग्वार सीड और ग्वार गम की जो कीमतें हैं उनमें आज एक निचला सर्किट यानी लोअर सर्किट लगते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वार की कीमतों में वायदा बाजारों के अंदर ये जो उठावटक का माहौल है जारी रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से इस साल ग्वार का प्रोडक्शन कम देखने को मिला है, बारिश कम हुई है, बुआई कम हुई है, प्रोडक्शन कम है, और एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी बहुत निकली है, और घरेलू स्तर पर जो फूड इंडस्ट्री की तरफ से जो डिमांड है वो भी हल्की फुल्की देखने को मिली है, इन्हीं सभी सेंटीमेंट्स की वजह से ग्वार की जो कीमतें हैं बीच में उछाल के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी
और उसके बाद फिर हमने ग्वार की कीमतों में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखी थी, क्योंकि व्यापारियों को और किसानों को डर था कि कहीं पहले की तरह भी उछाल के बाद ग्वार की कीमतों में एकदम से नरमी ना देखने को मिले, जिसकी वजह से हमने ग्वार की कीमतों में एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन भी आते हुए देखा था। लेकिन फिर वहाँ से एक बार ग्वार की कीमतों में एक बार फिर से निचले स्तर पर खरीदारी निकल के सामने आई है, ग्वार में एक बार फिर से बाइंग देखी जा रही है। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार गम की कीमतों में एक बार फिर से निचले स्तर पर खरीदारी निकल के सामने आ सकती है, फ्रेश बाइंग निकल सकती है, जो ग्वार की कीमतों को 11,600 के भी पार लेके जा सकती है, जो हमने पहले के हाइस लगते हुए देखे थे कुछ समय पहले। और अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार गम की कीमतों में 12,100 12,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। यहीं से ग्वार सीड की बात करें तो अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार सीड की कीमतों में 7,100 से लेकर 7,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उनके मुताबिक ग्वार की कीमतों में अभी तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से अब एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की। देख रहे हैं कि सरसों का अक्टूबर वायदा 8,700 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 8,850 का हाई लगा चुका है, 1% की गिरावट है। हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों में आज एक ऊपरी स्तर से दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, 1% की जो करेक्शन है वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये करेक्शन इतनी नहीं है जो सरसों की कीमतों को एकदम धड़ाम कर दे। मंडियों में जो सरसों है वो 10,000 तक ही देखने को मिल रही है, 10,000 से लेकर 10,100-10,200 मैक्सिमम, जो कि काफ़ी अच्छा भाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने हाल ही में सरसों की MSP भी बढ़ाई है, 400 रुपये क्विंटल के हिसाब से सरसों की MSP बढ़ाई है। और आपको बता दें कि सरकार के पास भी अब सरसों का इतना स्टॉक नहीं बचा है, ओवरऑल स्टॉक की बात की जाए तो लगभग 30 लाख टन सरसों का स्टॉक बचा है, और अभी 5 से 6 महीने का समय है सरसों की नई आवक आने में। तो इस दौरान हो सकता है कि सरसों की कीमतें अभी और उछाल मार जाएं, और जानकारों के मुताबिक सरसों की कीमतों में अभी 9,100-9,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वायदा बाजारों की बात कर रहा हूँ मैं, ये हाजिर में ऑलरेडी 9,000 के पार जा चुकी है और वायदा में भी 9,100-9,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि सरसों सोयाबीन की तरह कारोबार नहीं कर रही है, जैसे कि सोयाबीन में हमने देखा था कि एकदम से उछाल आया था तो एकदम से गिरावट भी आती हुई नजर आई। सरसों कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, और अगर प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर भी आ रही है तो इतनी बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और अगर सौदे हो भी रहे हैं तो ओवरबॉट नहीं हो रहा है। तो सरसों इस बार काफी अच्छा मुनाफा कमवाती हुई नजर आ सकती है, और सरसों की कीमतें एक्सपर्ट्स के मुताबिक 9,100 से लेकर 9,200 तक का लेवल भी दिखला सकती है आने वाले समय में। वहीं सरसों के साथ बात करें यहाँ पे अगर सोया कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल की कीमतें एक गिरावट के साथ कारोबार रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1,311 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.1% की गिरावट है। रिफाइंड सोया तेल की कीमतों में अभी ये जो गिरावट वाला जो माहौल है अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक और जारी रह सकता है। बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 6,300 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 2% की गिरावट सोयाबीन के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सोयाबीन का जो अक्टूबर वायदा है उसके अंदर एक गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। वहीं सितंबर वायदा में हमने 8,800 तक की भी भाव देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अब जिस हिसाब से सरकार ने सोया मील का आयात चालू कर दिया है, इम्पोर्ट चालू कर दिया है, और सोयाबीन की जो बुआई के जो आंकड़े हैं वो पिछले साल के बराबर ही आते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस हिसाब से सोयाबीन की कीमतों में अभी जो नरमी वाला रुझान है अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक और जारी रह सकता है, और सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो एक दायरे में कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं, 6,100-6,200 से लेकर 6,500-6,600-6,700 इसी दायरे में अभी कारोबार दर्ज किया जा सकता है सोयाबीन के अंदर, अभी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। तो यह था एक छोटा सा एक कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर जानकार को क्या नजरिया है। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, नमस्कार।